तमाशा, इश्क तमाशा। कहां थे तुम इतनी देर से? तुम्हें इतनी बार समझाया कि ये बाइक लेके बाहर ना निकला करो, लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी की शायद परवाह बिल्कुल भी नहीं है। सॉरी भाई, लेकिन जब तक मैं मीना को मना नहीं लेता ना, तब तक मैं बाज नहीं आऊंगा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अपनी अकल कहां बेच गए हो तुम? उस लड़की की खातिर बोलो भाई, मैं एक और लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। दैट्स इट। देखा मेरा, उस लड़की के इश्क में इतना अंधा हो गया है कि इसने अपनी नजरें ही बंद कर ली है। फूफो, अगर आपने एक और लफ्ज भी बोला ना मीना के खिलाफ, तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरा और आपका रिश्ता क्या है। मेरा मुझे मारा, मुझे अपने अहरम को मारा आपने। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन फूफो की बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। इनके दिल में मीना के लिए कितना जहर भरा है देखा आपने? और मैं भी मीना के खिलाफ कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकता, चाहे वो कोई भी हो। रुको ना, वो लड़की जिसने तुम्हें घर बुलाकर जलील किया, आज वो तुम्हारे लिए इतनी अहम हो गई कि जान से ज्यादा मोहब्बत करने वाला भाई और मां से ज्यादा प्यार करने वाली फूफो तुम्हारे लिए अजनबी हो गई। आपके थप्पड़ ने तो आपकी मोहब्बत का पोल खोल दी है भाई, और शायद आप ये भी नहीं जानते कि मां का प्यार और मां जैसे प्यार में जमीन आसमान का फर्क होता है। और अगर आपकी मोहब्बत और फूफो का प्यार मेरे जिंदा रहने की वजह है ना, तो ये भी सुन ले, मीना मेरे जीने की वजह है। और अगर मेरी मोहब्बत किसी ने भी छीनने की कोशिश की ना भाई, तो मेरी मौत का जिम्मेदार भी वही होगा। अरम रुक जाओ, प्लीज अरम रुक जाओ। मेहराब इसको रोको। अरम, फूफो जाने दे से, हमारे लाड प्यार ने इसका दिमाग खराब कर दिया। मेहराब वो बहुत जज्बाती है, प्लीज तुम उसको रोको। आ जाएगा वापस ये। सॉरी फूफो, इसकी वजह से। कोई बात नहीं मेहराब। शाम में कौन आया था रचना? कहाँ कौन आया था, मैंने तो किसी को नहीं देखा। अच्छा, तो बच्चों को बांटी जाने वाली ब्राउनीज मनो सलवा तो हो नहीं सकती, जाहिर है कोई लाया ही होगा। कौन लाया था, क्यों लाया था, तुम इस चक्कर में पड़ के खुद को हलकान मत करो। और वैसे भी मैं इस मोहल्ले की चौकीदार नहीं हूँ जो हर आने जाने वाले पर नजर रखूंगी। चौकीदार नहीं हो, लेकिन इस घर के बिगड़ते हालात की जिम्मेदार तो हो। क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया? इतना सब कुछ होने के बाद भी इंतहा की गुंजाइश है? मैंने किसी को कोई ऑर्डर नहीं किया और ना ही कोई फरमाइश की है। अगर कोई अपने पागलपन से बाज ना आए तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। देखो, तुम्हें एहतियात बरतनी चाहिए, और किसी का नहीं तो मेरा अपी के हालत का ही ख्याल कर लो। क्यों भाई, इसमें मेरी क्या गलती? तुम्हें वो ब्राउनीज बच्चों को बांटने के बजाय उठाकर सड़क पर फेंक देनी चाहिए थी। एक बात तो बताओ परवर्षा। पूछो। मेरी जान छोड़ने का क्या लोगी? मैं तो बस तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही थी।
ज्यादा पुकरात बनने की जरूरत नहीं। मुझे क्या करना और क्या नहीं करना अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कुछ करना है तो मेरे लिए एक कप चाय बना दो, मेरे सर में दर्द हो रही है। अरे हम नहीं आया अभी तक? नहीं मैम, वो नहीं। कितनी देर हुई इसको जाकर? काफी देर हो गई मैम। अच्छा जब वो आए तो मुझे इत्तला करना तुम। ओके। अंधे हो गया क्या? नजर नहीं आता, सारी गाड़ी का सत्यानाश कर दिया। भाई सॉरी भाई, आपका जितना भी नुकसान हुआ है ना मैं पूरा करूंगा। नुकसान? और तू शक्ल देखी है अपनी? शक्ल पे क्यों जा रहे हैं? बोला ना तेरा नुकसान पूरा कर दूंगा। एक तो किया तूने मेरा नुकसान, ऊपर से मुझे अकड़ दिखाता है। हाँ वास करते ये लो चाय पियो। मूड ठीक हुआ तुम्हारा? अगर तुम खंबे से लटक कर अपना कद लंबा करने की कोशिश ना करो तो मेरा मूड खराब हो ही नहीं सकता। खंबा कद क्या मतलब? मतलब ये कि ये बड़ी बड़ी बातें ना किया करो। अच्छा सुनो, मुझे ना तुमसे एक फेवर चाहिए थी। हाँ बोलो। वो मैंने कॉलेज जाना है ना एडमिशन लेने के लिए, तो मेरे साथ चलो ना प्लीज। भाई मैं नहीं जा सकती हूँ, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है, खुद ही चली जाना। तो तुम मूड बना लो ना, कौन जाएगा मेरे साथ? देखो रुशना तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, तुम ऐसे नहीं कर सकती। ओफो, अम्मी को ले जाओ साथ। अम्मी तो वैसे ही मेरी पढ़ाई के खिलाफ है। हाँ तो छोड़ दो ना, क्यों पढ़ रही हो? नहीं छोड़ सकती ना। तो इतना शर्मा के क्यों बोल रही हो? वो गुफरान भाई को पढ़ी लिखी लड़कियां पसंद है ना। ओहो, फिर गुफरान भाई को ही कहो ना तुम्हें लेके जाएं साथ। और अम्मी? अम्मी की फिक्र ना करो, मैं संभाल लूंगी उन्हें।
हाय रश्मि, तुम कितनी अच्छी हो। ओफ ओ, पीछे हटो। और ये गुफरान भाई वाला चक्कर कब से चल रहा है? चल थोड़ी रहा है, वो तो बस अभी पसंद करती हूँ मैं उन्हें। तुम छोड़ो, चाय पियो। तुम्हारी इससे क्या दुश्मनी है, इसे जान से मारना चाहते हो? ऐसा कुछ नहीं है। झूठ बोल रहा है ये, छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। जज्बाती नहीं हो। चलो अच्छा, मान लिया कि तुमने इसे जान से मारने की कोशिश नहीं की, लेकिन गाड़ी को नुकसान तो पहुंचाया है ना? जी, और मैं इन्हें कह चुका हूं कि जितना नुकसान हुआ है मैं पैसे देने के लिए तैयार हूं। मुझे उस नुकसान के सिर्फ पैसे ही नहीं चाहिए, अपनी इस बेइज्जती का बदला भी चाहिए जो तुमने मेरे की है। हाँ तो कह दिया ना, शर्मिंदा हूं, और क्या चाहिए तुम्हें? हाँ देख रहा हूं मैं तुम कितने शर्मिंदा हो। चलो अपने घर वालों का नंबर दो। नंबर क्यों? ऐसे मामलात में इसकी जरूरत पड़ती है। चलो चलो, नंबर दो साहब को, ताकि जमानत हो सके तेरी। मेरी जमानत के लिए किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। आपने लॉकअप में बंद करना है, मुझे कर दें। अच्छा अजमल। जी साहब। इसे लॉकअप में बंद कर दो, मच्छर काटेंगे ना तो नंबर खुद ब खुद निकल आएगा। ले जाओ इसे। चलो। आप तशरीफ रखें, अलबख्श पानी लेकर आओ। मेहराब कॉल पिक कर रहा है और ना आरम का कुछ पता है। हो क्या रहा है मेरे घर में? हेलो, क्या हाल? कैसे? ठीक है, मैं आ रहा हूं, मैं अभी आ रहा हूं। थैंक यू। न जाने हमें किस जुर्म की सजा तुम्हारी सूरत में मिल रही है। जब से तुम इस घर में आई हो कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से इस घर का सुकून खत्म हो गया है। हुआ क्या है? तुम्हारी वजह से बात इस नौबत तक आ गई है। मेहराब ने अरम पे हाथ उठाया है और अब वो थाने में है। इश्क तमाशा, तमाशा, इश्क तमाशा। उस लड़की की खातिर वो लफ्ज़ भाई, मैं एक और लफ्ज़ भी नहीं सुनूंगा। दैट्स इट। फूफो, अगर आपने एक और लफ्ज़ भी बोला ना मीना के खिलाफ तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरा और आपका रिश्ता क्या है। आपने मुझे बोला, मुझे अपने अहम को मारा आपने। आपके थप्पड़ ने तो आपकी मोहब्बत का पोल खोल दी है भाई, और शायद आप ये भी नहीं जानते कि मां का प्यार और मां जैसे प्यार में जमीन आसमान का फर्क होता है। और अगर आपकी मोहब्बत और फूफो का प्यार मेरे जिंदा रहने की वजह है ना, तो ये भी सुन ले, मीना मेरे जीने की वजह है। और अगर मेरी मोहब्बत किसी ने भी छीनने की कोशिश की ना भाई, तो मेरी मौत का जिम्मेदार भी वही होगा। ये देखे खाला, अकबरी ने ना
अपने वहाज के लिए लड़कियों की तस्वीरें भेजी, देखें। वहाज के लिए? तुम क्या वहाज के लिए लड़कियां ढूंढ रही हो? तो क्यों खाला अम्मा, मुझे वहाज के लिए लड़कियां देखने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत है क्या? अरे अकेला, तीन तीन लड़कियों का बोझ है तेरे ऊपर, उनके बारे में सोचने के बजाय तू वहाज के लिए लड़कियां ढूंढ रही है, कमाल है। अरे खाला माँ, आप समझती नहीं, मैं अपने वहाज के लिए ऊंचे घराने की लड़की इसलिए लाना चाहती हूँ ताकि वो मेरे बेटे का बोझ बांट ले बस। अरे पराई लड़की से उम्मीद लगाने के बजाय अपनी बेटियों का फर्ज अदा कर तो बेहतर है। अरे ऐसा ना हो कि तेरा लड़का भी हाथों से चला जाए। ये अल्लाह ना करे खाला माँ, आप भी ना अजीब बातें करती हैं आप। अरे पराई औलाद से उम्मीद लगाना फजूल है, समझी? भाई देख, समझाना मेरा फर्ज है, आगे तेरी मर्जी। आप भी ना बस वहम ही डाल देती। मेरा, तुम जानते हो आरम सारी रात घर नहीं आया। परेशान मत हो, वो आ जाएगा। मैंने उसको कई दफा फोन भी किया लेकिन वो आंसर नहीं कर रहा, तुम मालूम तो करो वो किस हाल में है। पप्पू रिलैक्स, कहाँ जा सकता है। मेहराब प्लीज, उसके दोस्तों को फोन करके पूछो तो। उसकी लापरवाही ने मुझे बहुत तंग कर रखा है। नाराज होकर गया है बेटा, इसलिए परेशानी हो रही है मुझे, और तुम तो जानते हो ना किस कदर जज्बाती है वो। फोन करो प्लीज, मैं भी फोन करती हूँ। भाई, और तेरा कोई वली वारिस आगे पीछे कोई है कि नहीं? एक बात सुन, मुझे तू अच्छे खानदान का लगता है इसलिए मैं तुमसे शराफत से बात कर रहा हूं, तशद्दुद नहीं करना चाहता तुम्हारे पे, इसलिए बता दे नंबर। ठीक है तेरी मर्जी, लगता तू शराफत से नहीं मानेगा। अजमल जी साहब, इरफान को बुला, वो निकलवाएगा इससे नंबर। आपका फोन। हाँ शुक्रिया। परेशान लग रहे हैं आप। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं।
तुम गए नहीं अभी तक? आने वाले हैं गुफरान भाई। कृष्णा, हमी को कौन बताएगा? तुम्हें कहा ना मैंने, संभाल लूंगी मैं, तुम जाओ। हेलो, क्या हाल? कैसे? ठीक है, मैं आ रहा हूं, मैं अभी आ रहा हूं आपके पास। थैंक यू। अभी मैं जिंदा हूं भाई, मर जाऊंगी तो कर लेना अपनी मर्जी। तुमने ये सोच भी कैसे लिया, कैसे फैसला कर लिया, और कौन पढ़ाता है तुम लोगों को ये पटकियां? मैं कॉलेज जाना तो एम है मेरा। ये तो तुम लोगों की ख्वाहिशें पूरी करने में मैं ख्वार हो जाऊंगी। मैंने तो कभी ऐसा मौका नहीं दिया आपको जिससे आपको शर्मिंदगी हो। तो कसर पूरी कर दोगी ना कॉलेज जाकर? कॉलेज जाकर तुम भी वही कुछ करोगी जो उस मनहूस ने किया। हमें बस भी कर दें, आप क्यों हर बात में मेरा को घसीट लेती हैं? उस बेचारे की जान बख्श भी दें अब। अरे मैं होती कौन हूँ, कौन होती हूँ किसी की जान निकालने या बख्शने वाली? लेकिन एक बात अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम सबकी औरतें बिगाड़ने वाली ना वही मनहूस मेरा है। आदतें जहालत से बिगड़ती हैं, तालीम से नहीं। और ये कह ही क्या रही है, इसे सिर्फ कॉलेज जाना है और पढ़ना है बस। तो मुझे ज्यादा तालीम की धौंस मत दो, और सुबह सुबह मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं, जाओ यहाँ से। और तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा पूरा नहीं कर सकती मैं, मेरे लिए तो घर चलाना ही मुश्किल है, ऊपर से नहीं सूझती है हर रोज तुम लोगों को। अम्मी आप खर्चे की फिक्र क्यों कर रही हैं? मैं ज्यादा बच्चे पढ़ा लूंगी लेकिन कॉलेज जरूर जाऊंगी। कॉलेज जरूर जाऊंगी। अम्मी वो गुफरान भाई आ गए, मैं जाऊं? अब अम्मी तुम्हें गोद में उठा के बाइक में बिठाएंगी, जाओ। चादर लेकर जाना। तो ये लड़की मेरी हर बात में बोलती है, अम्मा बनती है ये। अकीला हम चाय पिए खाला। जिन्होंने लॉगअप किया था उनकी ड्यूटी खत्म हो चुकी है, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। मेहराब सईद खान साहब। अरे मेहराब साहब, आपने क्यों तकलीफ की? आपके मैनेजर साहब आ गए थे ना, काफी था। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वकील साहब बेल के कागजात प्लीज। नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की, सिर्फ शक की बुनियाद पर लॉकअप किया है। शाहजेब जी सर, अजमल से बोलो कि आरम साहब को रिलीज कर दें। ओके सर। अरे सर, अगर वो पहले ये बता देते कि वो आपके भाई हैं तो ये नौबत ना आती। खोलो इरफान, चल भी जमानत हो गई है तेरी। सर बैठे ना, मैं चाय मंगवाता हूँ आपके लिए। नहीं नहीं आपका बहुत शुक्रिया, इसकी जरूरत नहीं है। शुक्रिया मासी, चले। न जाने हमें किस जुर्म की सजा तुम्हारी सूरत में मिल रही है। जब से तुम इस घर में आई हो कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से इस घर का सुकून खत्म हो गया है। मैं कुछ समझी नहीं। समझाना तो खूब आता है हमें, लेकिन मेहराब की वजह से मजबूर हो जाती हूं मैं। हुआ क्या है? तुम्हारी वजह से बात इस नौबत तक आ गई है। मेहराब ने अरम पे हाथ उठाया है और अब वो थाने में है। ये क्या कह रही हैं आप?
ये सब उसी लड़की की वजह से हो रहा है जो हमारे खानदान का सुकून बर्बाद करने पर तुली हुई है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ रोशना, वो मेरी मिरहा से बात कर रहा हूँ। अरे भाई भूल गए आप, मिरहा इस वक्त कॉलेज में होती है। हाँ कल बैच रही है, अननोन नंबर से कॉल आई मुझे, मुझे लगा मिरहा होगी, मैंने कॉल बैक की तो किसी मर्द ने फोन उठाया। हाँ उसी मर्द के साथ मुंह काला करके वो जा चुकी है यहाँ से। अरे मैं इस वक्त आपको कोई भी जवाब दे के किसी बहस में नहीं पड़ना चाहती, मैं यहाँ पर सिर्फ आपके लिए आई हूँ। आप शायद भूल रही हैं कि मेरे लिए वो जिंदगी में बहुत अहम है। मैं सांस के बिना रह सकता हूँ मगर उसके बिना नहीं। इश्क तमाशा, तमाशा, इश्क तमाशा, इश्क तमाशा, तमाशा, इश्क तमाशा। क्या जरूरत है तुम्हें खाला से बदतमीजी करने की? मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है, वो मुझे कॉलेज जाने की इजाजत नहीं दे रही थी। तो फिर वो कैसे राजी होगी? जाहिर है रोशना ही इजाजत दिलवा सकती है, वो ही उन्हीं के आगे खड़ी हो सकती है और कौन। देखो मिरहा की वजह से वो काफी परेशान है। सारा कसूर मिरहा आप ही का नहीं है, कसूर तो रोशना का। वो कैसे? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। आप मुझसे कुछ कहना चाह रहे थे? एक्चुअली मुझे तुम्हारे और अपने मुताले कुछ बात करनी है। तो कहे ना, मैं वही सुनना चाह रही हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि बस भी करो अकीला, कब तक कूड़ोगी? खाला मां देख रही है ना, ये लड़की दिन ब दिन बेलगाम होती जा रही है, बजाय इसके कि मां की परेशानियों का एहसास करे उल्टा जिद लगाती है मुझसे। तुम भी हद करती हो, भला पलवश शाह को घर में बिठाने से तुम्हें क्या फायदा होगा? अरे खाला मां पहले की खाक सर से निकली नहीं है कि और डलवाने की तैयारी कर लूं। तुम एतबार करो, वो तुम्हारा सर झुकने नहीं देगी, लेकिन तुम यकीन करो तब ना। मैं बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ, बहुत अच्छी तरह से, आप भी ना उनसे मिली हुई हैं, और दिल से तो आप भी यही चाहती हो ना कि वो भला एक दफा फिर वापस आ जाए। अरे तो हर्ज भी क्या है, घर की बात घर में रह जाएगी। वो मेरा बेटा है, आंखों देखी मक्खी नहीं निकलेगा। अरे तो उसे बताने की जरूरत भी क्या है, वो मेरा बच्चा तो परदेश में बैठा है। अरे बस खाला मां, अब मैं इस मौजू पर एक बात नहीं सुनूंगी और ना ही कोई करेगा, और वो मेरी कोई सगी बेटी नहीं है जिसके लिए मैं कुर्बानी दूं। तुम्हारे हाथ टूटे हुए हैं, सही तरह दबा नहीं सकती हो, और खाला मां ये चाय का रंग देख रही है, उठा के ले जाओ ये चाय। अब ये गिराएगी, उतरो नीचे पहले, लड़कियों ने दिमाग खराब करके रखा है। अब तो तुम्हें हर चीज में ऐबी नजर आएंगे। बस कर दे खाला, बस मुझे आराम करने दे। अरहम, अरहम, अरहम मेरी जान, कहाँ थे तुम? मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। अच्छा ठीक है, पहले खाना तो खा लो, भूख नहीं है। अरहम हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ रोशना, वो मेरी मिरहा से बात कर रहा हूँ। अरे भाई भूल गए आप, मिरहा इस वक्त कॉलेज में होती है। हाँ
अच्छा वो कल एक्चुअली एक अननोन नंबर से कॉल आई मुझे, मुझे लगा मेरा होगी, मैंने कॉल बैक की तो किसी मर्द ने फोन उठाया। हाँ, उसी मर्द के साथ मुंह काला करके वो जा चुकी है यहाँ से। मम्मी क्या बोल रही हो आप? मैं झूठ नहीं कह रही, हम सब के सरों पर खाक डालकर जा चुकी है वो। अब तुम भी ना कुछ होश के नाखून लो और भूल जाओ, तुम्हारा इंतजार किए बिना मुंह काला करके जा चुकी है वो। कम से कम भाई को तो सुकून में रहने देती, क्या जरूरत उनको सब कुछ बताने की? तो क्या मैं अपने बेटे को धोखे में रहने देती? इतना बेवकूफ समझ रखा है मुझे? आपको तो अपने बेटे की खुशी का भी एहसास होने तो पता नहीं क्या बीत रही होगी उस पे। कैसे माँ आप? बंद करो अपनी बकवास। मुझे डिस्टर्ब ना करें प्लीज। दूसरों को हौसले देने वालों से इतनी कम हिम्मत की उम्मीद नहीं थी मुझे। आराम मैं ठीक हूं। आप ठीक हैं लेकिन दुनिया से नाराज है ना? आप क्यों आई हैं यहाँ? क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पर मेरी जरूरत है इसलिए। आप इन लोगों को छोड़ें, वैसे आपने भी अच्छा सलूक नहीं किया उसके साथ, वो बहुत हर्ट है। अरे मैं इस वक्त आपको कोई भी जवाब दे के किसी बहस में नहीं पड़ना चाहती, मैं यहाँ पर सिर्फ आपके लिए आई हूँ। आप शायद भूल रही हैं कि मेरे लिए वो जिंदगी में बहुत अहम है। मैं सांस के बिना रह सकता हूँ मगर उसके बिना नहीं। अच्छा, उसकी इतनी ज्यादतियों के बाद भी आप उससे मोहब्बत करते हैं? उसकी कोई ज्यादती मुझे ज्यादती नहीं लगती, वो चाहे जैसा भी सलूक कर ले मेरे साथ। लड़की तुम यहाँ कमरे में क्या कर रही हो? जी एक बहन ने कसर नहीं छोड़ी, अब दूसरी बहन भी। पप्पो इल्जाम लगा रही हैं आप मुझ पर। कौन सा इल्जाम बीबी? जो नजर आ रहा है वही कह रही हूँ मैं। पप्पो वो मेरा हाल पूछने आई है। तुम बहुत ना समझो मेरी जान, तुम इन बातों को नहीं समझोगे। ऐसे लोगों की फितरत से तुम्हें अच्छी तरह से वाकिफ हो। वो क्या हो गया आपको? ये ज्यादती है कि किसी बेघर को अपने घर में पनाह देकर उस पर एहसान जताएं? I'm sorry, ये मुझे ठीक नहीं लगा। अब ऐसा भी मैंने क्या कह दिया है ना? Come on, Popo, please. अच्छा तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना भिजवाती हूँ। मुझे भूख नहीं है। खामोशी से तुम खाना खा लो। अच्छा चलो फ्रेश हो जाओ। पता नहीं अम्मी ने किस जन्म का बदला लिया मुझसे। कितनी कोशिश की थी मैंने कि वहाज भाई को कुछ पता ना चले, लेकिन अम्मी सब कुछ बता के दम लिया उन्होंने। कृष्णा तुम क्यों इतनी जज्बाती होती हो? खाला अम्मी समझाए ना ऐसे, क्यों अम्मी से बहस करती है इतनी? अरे तुम सब ने तो अपनी अपनी डेढ़ इंच की मस्जिद बना ली है, मैं किस किस को समझाऊं? भाज भाई ना कॉल उठा रहे हैं ना मेरे मैसेज का जवाब दे रहे हैं, नाराज है मुझसे बहुत ज्यादा। मान जाएंगे, तुम दिल बुरा मत करो। तुमने दोपहर का खाना नहीं खाया ना? मैं लाती हूँ तुम्हारे लिए, रुको। खा लो बेटा खाना। नहीं खाला मुझे नहीं खाना। अरे हाँ तुम उस वजह से कहना ना, वो भाज भाई को मना देगी, उसकी बात नहीं डालते वो। हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रही है, सही हो जाएगा।
मैं झूठ नहीं कह रही, हम सबके सरों पर खाक डालकर जा चुकी है वो। अब तुम भी ना कुछ होश के नाखून लो और भूल जाओ उस कलमुही को, तुम्हारा इंतजार किए बिना मुंह काला करके जा चुकी है। तमाशा इश्क तमाशा।